इस पे इतना ज्यादा अत्याचार हुआ, इस पे इतना ज्यादा हमला हुआ, इसके बारे में आप सोच नहीं सकते हो। कोई भी जो है सो व्यक्ति दुनिया में इतना ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाता। जब से हमास और इजराइल के बीच युद्ध शुरू हुआ है, तब से बहुत सारे व्यक्ति बोलते हैं कि इजराइल का समर्थन करना चाहिए, तो कोई व्यक्ति बोलता है कि हमास और फिलिस्तीन का समर्थन करना चाहिए। किसी का समर्थन करने से पहले दोस्तों आई रिक्वेस्ट यू, आप इस वीडियो को पूरे देखिए, इसके बाद ही आप इजराइल या फिलिस्तीन का समर्थन करना। सबसे पहले आप इजराइल के बारे में कुछ जान लीजिए। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि आज से 3000 वर्ष पहले इजराइल में रहने वाले यहूदियों को उनके देश से ही निकाल भगाया था। कई वर्षों तक ये सभी यहूदी दुनिया के दूसरे देश में शरण लेके रहे। कई सालों तक ये यहूदी यूरोप देश में अपमान के साथ जिए, और जर्मनी ने इनके साथ बहुत ही गलत किया, क्योंकि जर्मनी के जो तानाशाह थे वो यहूदियों लोग से बहुत ही ज्यादा नफरत करते थे, इसीलिए उसने लाखों यहूदियों को हत्या करवा दिया था। जबकि दोस्तों यहूदियों ने दुनिया को बदल देने वाली बहुत सारे आविष्कार किए हैं। इसीलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बोला कि बिना इतिहास जाने आप इजराइल या फिलिस्तीन का समर्थन नहीं कर सकते हैं। पहले आप इसका इतिहास जानिए, इसके बाद आप खुद जो है निर्णय कीजिएगा कि आखिर किसका समर्थन करना चाहिए। दोस्तों दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक धर्म यहूदी धर्म को माना जाता है। इस धर्म का इतिहास लगभग 4000 वर्ष पुराना माना जाता है। इस धर्म का शुरुआत होता है यरूशलेम से। यहूदी धर्म की शुरुआत पैगंबर अब्राहम ने की थी। पैगंबर अब्राहम के बेटे का नाम आइजैक था और उनके एक पोता का नाम याकूब जैक थे, और दोस्तों याकूब का दूसरा नाम इसराइल था, और कहा जाता है कि यही से इजराइल नाम आया था। दोस्तों उस समय याकूब ने सभी यहूदियों को इकट्ठा किया और इजराइल नाम का एक राज्य बनाया, जिस पर बाद में मुसलमानों का कब्जा हो गया और फिलिस्तीन बन गया। यानी जो लोग कहते हैं कि फिलिस्तीन में हमेशा मुसलमान ही रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत समय पहले यहूदी भी रहा करता था। याकूब का एक बेटा यहूदा था, इनके वंशजों को यहूदी कहा, इनकी भाषा हिब्रू थी। अब दोस्तों ये भी समझिए कि सभी यहूदियों को अपना देश इजराइल क्यों छोड़ना पड़ा। आज से 2700 साल पहले यरूशलेम पर असीराई साम्राज्य ने हमला कर दिया, और इस हमले के बाद यहूदियों को 10 कबीले इधर उधर बिखर गए। इसके बाद 2095 साल पहले यहूदियों पर रोमन साम्राज्य ने बहुत ही बड़ा हमला कर दिया, और इस हमले की वजह से जितने भी यहूदियों था ना, उस सभी को यरूशलेम छोड़ना पड़ा, और दुनिया भर में इन लोगों को जहां जहां शरण मिला वहां जाके ये लोग बस गया। कहा जाता है दोस्तों कि इस हमले में यहूदियों का सेकंड मंदिर भी तोड़ दिया। इस मंदिर का एक दीवार बची थी जो आज भी यहूदियों के लिए पवित्र स्थान माना जाता है, और जिसे वेस्टर्न वॉल माना जाता है। यहूदियों सब बहुत ही ज्यादा अपमान भी हुआ। इसी अपमान के चलते यहूदियों ने सोचा कि एक नया देश या राज्य हमें बनाना चाहिए। इसके लिए दुनिया भर के यहूदियों ने 1897 में स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड जायनिस्ट कांग्रेस नाम से एक संस्था बनाई। जायनिस्ट को हिब्रू भाषा में स्वर्ग कहा जाता है। वर्ल्ड जायनिस्ट कांग्रेस को दुनिया भर के यहूदियों ने चंदा देना शुरू कर दिया, क्योंकि तब तक बहुत सारे यूरोपीय जो है सो अमेरिका और यूरोप देश में जो है सो अपना बहुत बड़ा बड़ा जो है सो व्यापार खड़ा कर लिया था, तो ये सब जो है सो बहुत ही मात्रा में चंदा देना शुरू कर दिया। दोस्तों 2 नवंबर 1914 को पहले विश्व युद्ध दौरान ब्रिटेन और यहूदियों के बीच बालफोर समझौता हुआ। इस समझौते के मुताबिक यह तय हुआ कि ब्रिटेन युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य को हरा देगा, जो उस वक्त फिलिस्तीन पर राज कर रहा था, तो फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक स्वतंत्र देश बना दिया जाएगा। दोस्तों ब्रिटेन से फिलिस्तीन में बसाने की प्रक्रिया को आलिया कहा जाता है। आलिया के तहत बहुत ही कम मात्रा में यहूदी फिलिस्तीन पहुंचे, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने यहूदियों के साथ बहुत ही गलत किया, और कहा जाता है कि हिटलर ने करीब 60 लाख यहूदियों को हत्या करवा दिया। जर्मनी और आसपास के देशों में यहूदियों को कैंप लगा के मारा गया। इसी से आप समझ लो कि ये लोग इतना ज्यादा सहा, इतना ज्यादा सहन किया जो दुनिया में कोई भी जो है सो इतना सहन नहीं कर सकता है। इस पे इतना ज्यादा अत्याचार हुआ, इस पे इतना ज्यादा हमला हुआ, इसके बारे में आप सोच नहीं सकते हो। कोई भी जो है सो व्यक्ति दुनिया में इतना ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाता जितना यहूदी किया है। लेकिन आज इजराइल हमास और फिलिस्तीन पे आक्रमण कर चाहता है कि हमास को उखाड़ के फेंक दे, तो बहुत सारे लोग जो है सो इजराइल को गलत बोल रहा है। जबकि ये भी सत्य है कि पहले इजराइल फिलिस्तीन या हमास पे आक्रमण नहीं करता है, पहले हमास ही या फिलिस्तीन ही इजराइल पे आक्रमण करता है, इसके बाद ही इजराइल जो है सो हमास या फिलिस्तीन पे आक्रमण करता है। हर बार हमेशा हमास ने ही पहले इजराइल पे आक्रमण किया है, तो क्या इसका जवाब इजराइल नहीं देगा? अगर आप पे कोई आक्रमण करता है तो क्या इसका जवाब आप नहीं दोगे? हाँ ये बात है कि जब इजराइल अगर फिलिस्तीन या
हमास पे अगर आक्रमण करता है ना तो वो विध्वंस मचा देता है। इसमें केवल हमास के आतंकवादी या फिलिस्तीन के आतंकवादी का मृत्यु नहीं होता है, बल्कि इसमें बहुत सारे बेगुनाह लोग जो है सो मारे जाते हैं। जो बेगुनाह इंसान है उन सभी को भी ये सब भोगना पड़ता है। लेकिन इजराइल करेंगे तो करेंगे क्या, वो भी तो मजबूर है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दिया कि इजराइल का क्या इतिहास है, अब आपको समर्थन करना है कि आप इजराइल का समर्थन करोगे या हमास या फिलिस्तीन का समर्थन करोगे। आप मुझे नीचे कमेंट करके अवश्य बताना। जय हिंद।